दुशासन और दुर्योधन का क्या बना बताइए? नहीं बनाना। तो अगर वो मिल भी जाए, अगर वो आपके पास भी आ जाए, पर आप स्वीकार करने के योग्य नहीं है, आपने द्वार बंद कर दिया है, कपट का कपाट लगा दिया है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन लगा दिया है आपने, हम कम वक्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, तो भगवान होगा भी तो क्या कर लेगा आपके पास आकर? बताओ, बोलो महाराज, कोई लाभ है? नहीं होगा। लाभ तो भगवत प्रदत्त ज्ञान से होगा। इस बुद्धि के ऊपर जब विवेक का नियंत्रण होगा तब मामला बनेगा। एक दो बार ऐसे मुंडी पटक देने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मुंडी पटकने वाले घूम रहे हैं दुनिया में बहुत, रोज ही मुंडी मार रहे हैं, मुंडी मार, यहां मुंडी मार, वहां मुंडी मार, वहां मुंडी मार। ये मुंडी मारने से, मुंडी के भीतर जो केवल विकृत बुद्धि का शासन चल रहा है, मुंडी मारने का मतलब है, प्रणाम करने का मतलब है, उस विकृत बुद्धि को जमीन पर दे दिए, भूमि पर, और वहां पर जो अनंत भक्त अपने चरण का रज डाले हुए हैं, भगवत चरण का रज है, उसको मस्तक पर लगा करके बिना महत्पाद रजोभिषेकम राजा रहुगण, और जड़ भरत का ज्ञान, उस रज को अपने मस्तक में लगाएंगे, अर्थात विवेक, गुरु के दिए ज्ञान को अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रयोग करने का जब नीति जीवन में लाओगे, तब जीवन में आनंद के सुंदर फूल खिल सकते हैं। नहीं तो तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे पूजा पाठ करने वाले लाखों करोड़ों लोग भी दुखी जन्म लेते हैं और दुखी ही मर जाते हैं। बात इतनी जल्दी नहीं बनेगी। सुनने में तो बड़ा आसान है, पर करना भी पड़ेगा, बिना किए कुछ होगा नहीं। और यह कब संभव होगा? जो आज आप बैठ के यहां कर रहे हो, आज जो कथा सुन रहे हैं, आज दाऊ जी दयाल के शरण में बैठकर जो अपने तमाम पता नहीं कितनी असुविधाओं को, सुविधाओं को छोड़कर यहां बैठकर भागवत का वाचन चल रहा है, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है, चलो चलो बैठते हैं। अरे भगवान की कृपा होगी, इधर से उधर से कोई तो एक समय होगा अनजाना बैट्समैन भी बैट लेके खड़ा हो जाए और सामने ब्रेटली हो तो एक आध बार छक्का तो लग ही जाता है, टाइमिंग लग गई तो मारा उठा के से। ब्रेटली भी कहा ये बैट्समैन है, बोला आज तक नहीं उठाया, गिल्ली डंडा खेलता था। तो ऐसे ही भागवत की कथा में बैठते 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 न जाने भक्त के किस कर्तव्य पर, किस भाव पर करुणानिधि रीझ जाते, क्या पता कब रीझ जाए किसी दिन।